टीएलजे टॉप 21 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। तालिबान ने एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट कवर कर रहे मीडिया पर्संस को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान, लोगों पर खुलेआम की गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता गिरफ्तार, ब्राह्मण समाज को लेकर की थी टिप्पणी। मायावती का बड़ा ऐलान, बीएसपी सत्ता में आई तो ब्राह्मणों को दी जाएगी पूरी सुरक्षा। किसानों का महापंचायत को लेकर छावनी में तब्दील दिखा करनाल, कई जिलों के इंटरनेट रहे सस्पेंड। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का अहम योगदान, प्रधानमंत्री मोदी बोले कोरोना में शिक्षकों ने किया चुनौतियों का समाधान। कर्नाटक के मैसूर जिले में सिक्का निगलने से हुई 4 साल की बच्ची की मौत। अभिषेक बैनर्जी से 8 घंटे चली ईडी की पूछताछ, बोले बाकी दलों की तरह टीएमसी डरने वाली नहीं। बंगाल भाजपा में भगदड़, मुकुल राय का दावा, संपर्क में 24 विधायक, ममता बनर्जी पर इन्हें भरोसा। पानीहाटी द्वारे सरकार शिविर में हमला, तोड़फोड़, 7 घायल। पेट्रापोल सीमा पर बीएसएफ ने नाकाम की तस्करी की कोशिश, ट्रक में 23.2 लाख का सोना छोड़कर भागे तस्कर। अंगदान में देश को दिशा दिखा रहा बंगाल, कोलकाता में कोरोना काल में भी जारी है अंगदान। बता दें कि अंगदान के अभाव में देश में हर साल लगभग 5 लाख लोगों की होती है मौत। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सप्लीमेंट्री के नतीजे घोषित करने की मांग पर किया प्रदर्शन। बारासात के आमडांगा थाना क्षेत्र में नकली सीमेंट कारखाने का भंडाफोड़, मालिक अरेस्ट, कारखाने को कर दिया गया सील, 150 बस्ता नकली सीमेंट बरामद। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर थाना अंतर्गत अवैध हथियारों के साथ छिनतई मामले में 4 गिरफ्तार। ब्राजील में तलाक हुआ तो महिला पति से लेना चाहती थी बदला, बनी हैवान, 3 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। इंग्लैंड को 210 रनों पर समेट, भारत ने 4था टेस्ट जीत, बढ़त बनाई। अंतिम दिन बुमराह और जडेजा ने की शानदार गेंदबाजी। ओलंपिक के बाद समुद्र किनारे कुछ यूं वेकेशन एंजॉय कर रही पीवी सिंधु, तस्वीरें हुई वायरल। कोई मिल गया फेम एक्टर रजत बेदी की कार ने एक शख्स को मारी टक्कर, एक्टर के खिलाफ मामला दर्ज। अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया आईसीयू में एडमिट, सिंड्रेला की सिर्फ शूटिंग छोड़ लंदन से वापस आए एक्टर। अधूरी रह गई सिद्धार्थ शुक्ला की ख्वाहिश, बिग बॉस में एक्टर ने हीना खान से बताई थी अपनी पिता बनने की इच्छा। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।